वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक का बिजनेस। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीबी व्हाट्सएप में कैसे डाउनलोड करें लेटेस्ट वर्जन में, उसमें कैसे लॉगिन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में जाना होता है। फ़ोन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार में डालेंगे जीबी व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन, एंटी बैन डाल देंगे यहाँ पे। एंटी बैन, ठीक है। एंटी बैन डालने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करके जाना होता है। ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ में जीबी व्हाट्सएप जो एंटी बैन अपडेट ऑफिशियल व्हाट्सएप वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जीबी व्हाट्सएप ऐप्स एकेपी लेटेस्ट वर्जन gbapps.net वाली वेबसाइट दिखाई दे देगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अभी आपको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करके जाना होता है। यहाँ पे डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप एकेपी, यहाँ पे दिस इज अ अपडेट वर्जन जीबी व्हाट्सएप सितंबर न्यू 2024, ठीक है। 5 हवर 1 यहाँ पे सिंपली इसको इस पे ऊपर वाले पे क्लिक करना होता है। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। ऊपर में डिटेल्स वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेना होता है। यहाँ पर देखिए, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस ऐप, यस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ऐप इंस्टॉलेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को बैक चले जाना होता है, ठीक है। बैक जाएंगे तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में जाना हो, वहाँ पे देखना होता है जीबी व्हाट्सएप हमने कौन सा डाउनलोड किया। तो वहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना होता है, जो भी आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप समझते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वेलकम टू व्हाट्सएप, यहाँ पे रीड आवर प्राइवेसी पॉलिसी टैप, एग्री एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट टर्म ऑफ सर्विस, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ से जितने भी परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना होता है। यहाँ पे अपना नंबर डालना होता है, ठीक है। यहाँ से अपना नंबर डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ओल्ड न्यू नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। ओल्ड नंबर के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। लिंक एज कंपेनियन डिवाइस, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो QR कोड का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार लॉगिन करने के बाद दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक अपडेट नहीं आता है। तो यहाँ से सिंपली आपको एक दूसरा मोबाइल चाहिए और उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको जैसे मान लीजिए ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो हमारा अभी इसमें लॉगिंग नहीं है तो हम अब जीबी व्हाट्सएप में बता देते हैं। तो व्हाट्सएप में भी
व्हाट्सएप में जाइएगा और वहाँ से क्लिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को लॉगिंग ही करके दिखा देता हूँ। एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे अपना नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू कंफर्मिंग व्हाट्सएप दिस, यस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कोड आया है, यहाँ पे 774 यहाँ पे डालेंगे 774, और क्या है कोड यहाँ पे 744, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम डालेंगे आपका व्हाट्सएप वेरीफाई हो जाएगा। व्हाट्सएप वेरीफाई होने के बाद सिंपली आपको इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, थ्री डॉट पे क्लिक करना होता है, राइट साइड में दिया होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लिंकर डिवाइस करेंगे। लिंकर डिवाइस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लिंक और डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जो भी आपका लॉक हो वो लॉक आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे आप लॉक डालेंगे आपको स्कैनर वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो ठीक है, सिंपली आपको इसका पीछे जो ये QR कोड है इसी को लगाना होता है। जैसे आप लगाएंगे आपका GB व्हाट्सएप 100% लॉगिंग हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।